तानाशाही हो गया है, सीधा सा आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, मोदी जी का तानाशाही चल रहा था, अभी उसी बात को लेकर ये लोग बोल के गए। तानाशाही तो इस कदर है जो एंटोनियो माइनो विदेश से आके यहाँ बोलती है राम डज नॉट एग्जिस्ट, उनको भी इन्विटेशन गया हुआ है, इससे बड़ा तानाशाही क्या चाहिए। इस देश में राहुल खान सब लोग संसद में बैठ के आने वाला टाइम में अलग बोल के सोनिया को गया, लेकिन अखिलेश जी को नहीं, क्यों नहीं दिया गया, वो भी एक पार्टी है। पार्टी का बात नहीं, यहाँ बात इंडिया एलियंस के है ना, एगो को बुला रहे क्या दिक्कत है, वो भी आ जाए भाई, वो थोड़ा बात है। जो कहती थी राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज की डेट में उनको राम के चरण में बुलाया जा रहा है, तो मोदी जी का कहीं ना कहीं संविधान वो देखते हुए बुला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात जो ये लोग अखिलेश यादव राम जी जी राम जी या फिर कृष्ण जी, अगर महाभारत में आप जाइएगा तो कृष्ण जी युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को चुने थे, तो वैसे ही राम जी जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को चुने हैं। आप आइए, इन्विटेशन करिए और आपको जिसको बुलाना है उसको बुलाइए। हम लोग मोदी जी के साथ हैं और बहुत सहमत है जी। मोदी जी पर तो जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, वो तो जरूरी है, कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, बोलने वाले कौन मुंह बंद कर सकता है, तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, बोलने वाले कौन रोक सकता है, बोलना विपक्ष भी जरूरी है। तानाशाही का बिना इंटरप्ट किए हुए सुनिए, आप तानाशाही का बात करते हैं ना, जब इमरजेंसी इस देश में लगाया गया फ्री भारत में, कहीं ना कहीं आजाद भारत में आपातकाल लगाया गया 75 से 77 तक में, तब कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं था, ठीक है। उसके बाद 84 में सिकंदर संघर्ष हुआ तो भी लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं 90 में कश्मीरी पंडित को जेनोसाइड करवाया गया तो भी लोकतंत्र खतरे में नहीं था, कभी श्रद्धा मरती साक्षी मरती कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं। मोदी जब आया आतंकवादी को मारने का काम कर रहे और इस पाकिस्तान हम लोग के सामने झुक रहा है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, तो हम लोग चाहते हैं ऐसा लोकतंत्र खतरा में ही रहे। इस देश में सबसे बड़ा नफरत का बाजार में सबसे बड़ा मोहब्बत का दुकान कौन खोला था, राहुल गांधी। और पहली बात तो मोहब्बत दुकान में मिलता नहीं, अगर मोहब्बत दुकान मिलता तो राहुल गांधी दुकान में पैदा हो जाते, ठीक है, लेकिन दुकान में तो पैदा हुए नहीं थे। आज के डेट में मोहब्बत का दुकान खोल ली है और उस दुकान में सबसे ज्यादा नफरत पता है किसके लिए, सनातन के लिए है, उसमें सबसे ज्यादा नफरत बिहारी और यूपी वाले के लिए और हिंदी भाषी के लिए है। आज की डेट में जो सनातन उनके एलियंस में जुड़े हुए हैं वो लोग टिप्पणी करता है कि सनातनों को खत्म करेंगे डेंगू और मलेरिया है, उसके बाद टिप्पणी करता है हिंदी भाषी जो है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं, उसके बाद टिप्पणी करता है कि मंदिर से ज्यादा पवित्र शौचालय होता है, राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, इसीलिए तो उनको कठुआ बोलते हैं और कठुआ बोलते हैं तो आप लोग खराब लग जाता है। राहुल गांधी जो एलियंस में जुड़े हुए हैं, अगर वो सच्चे इस देश के नागरिक रहते और सच्चे सनातनी रहते, अपने को ब्राह्मण कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एलियंस में से उन लोग को तोड़ दिए रहते, लेकिन नहीं, उदय निधि स्टालिन कभी बोलता है, कभी प्रियंक खड़गे जो जिसका बेटा टिप्पणी करता है सनातन के ऊपर डेंगू मलेरिया बताता है, उसके बाप को जो है प्रधानमंत्री फेस ही लोग बनाने का काम किए, तो इससे वाला दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। तो आपको बता दें इस देश में दो ही सरकार है, एगो मोदी सरकार एगो खिचड़ी सरकार, तो हम लोग मोदी सरकार को चुनने का काम करें, खिचड़ी को नहीं चुनेंगे। तानाशाही इसी को कहते हैं, इसी को तो कह रहे हैं भाई विपक्ष वाले की तानाशाही होगा, क्या कहेंगे। देखिए ऐसा है कि विपक्ष में जो लोग साथ आए हैं मिलके, इनमें से कोई भी अगर मैं कुछ बोलता है चाहे धर्म के ऊपर हो चाहे देश के ऊपर, वो गलत है। और रही बात अलायंस की, तो विपक्ष एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है भाई, सत्ता जिसके पास है, विपक्ष में कुछ लोग तो विरोध में रहेंगे। तो विपक्ष को हम गलत नहीं कहते हैं भाई, विरोध जरूरी है, क्योंकि अगर मैं जिस दिन विपक्ष खत्म हो गया उस दिन ये समझ लीजिए तो कह रहा है कि लोकतंत्र ही खत्म है। हाँ तो अब ये आप समझ लीजिए कि जब बोलने की आज़ादी नहीं है और अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है तो फिर आप लोकतंत्र के लिए क्या ही कहेंगे। बोलने का आजादी इस कदर है कि प्रधानमंत्री इस देश के जो कहीं ना कहीं पूरा जनता उनको चुन के बैठा है, प्रधानमंत्री पर मर्यादा पद पे है, उनको मौत का सौदागर बोला जाता है, चौकीदार चोर है बोला जाता है, पनौती बोला जाता है, इससे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या चाहिए। और तो भी बोलने के बाद आप लोग कोई कार्रवाई नहीं होता है, ठीक है, इससे बड़ा आपको क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। ये बोलते बोलते ये इंडिया एलियंस बड़ा इंडिया कर रहे हैं। पहली बात एक बात आप बताइएगा, U.S.A को आप क्या बोलते हैं, बोलिए जानते आप ही बताओ। USA बोलते हैं, U.A.E को UAE बोलते हैं, तो फिर I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दिए। सबसे बड़ा मूर्खता तो यही है, वो इंडिया नहीं है, वो I.N.D.I.A है जिसमें सबसे बड़ा डाउट है, और डाउट को कभी जनता चुनेगा नहीं। ये भारत देश है सर, स्विट्जरलैंड नहीं है कि सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी।